हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग यूनिट नंबर 4 जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और यूनिट नंबर 4 इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस किस टाइप का स्पेक्ट्रम होता है, और आपके सिलेबस वाइज कौन से टाइप के स्पेक्ट्रम पे ज़्यादा फोकस किया गया है, और किस किस तरीके की सारी जो चीज़ें हैं वो उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट करेंगे हम लोग। और ये यूनिट नंबर 4 है, ठीक है, छोटा यूनिट है, ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है। तो यूनिट नंबर 4 में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो भैया, तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी या आपके इसके अंदर जैसे तो एक तो होता है एटमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक तो होता है परमाणु स्पेक्ट्रम, एक होता है आणविक स्पेक्ट्रम। तो आपके जो सिलेबस में इसमें मोस्टली जो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, आणविक स्पेक्ट्रम ही आता है मोस्टली, पर थोड़ा सा एटॉमिक का भी बात है, वो भी मैं करवाऊंगा। जो भी है सारा सब कुछ सिलेबस में है, वो सब कुछ बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट यूनिट नंबर 4। तो दिस इज यूनिट नंबर 4, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 4 अपना, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 में क्या सीन है, यूनिट नंबर 4 इसको मैं बोल सकता हूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल देता हूं मैं इसको, स्पेक्ट्रोस्कोपी। हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भैया स्पेक्ट्रोस्कोपी, जनरली इसको लोग आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। इस चैप्टर का जो नाम है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मैटर नहीं करता कि चैप्टर का नाम क्या है। हम लोग जो भी सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स है वो टॉपिक सारे कवर करेंगे, जो भी आपके अकॉर्डिंग है, और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसी के वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो छोटी बात है वो उसके बारे में मैं बात करता हूँ कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम, व्हाट इज स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम के बारे में बात करूँ, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और इंग्लिश में भी इसका जो ये तो प्लूरल है, जो सिंगुलर होता है वो होता है स्पेक्ट्रम होता है, इसका प्लूरल है ये, ठीक है। जो भी है, बट हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ये जो वर्ड है ना कि स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, या इस हिंदी में या इंग्लिश में दोनों में इसको स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले बात करें। तो देखिए भैया, हम लोगों ने जब क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट किया था फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, तब मैंने एक आपको कुछ आइडिया बताया था कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। उसके बेस पे मैंने एक ये इस टाइप से कुछ बनाया था आपके पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें होती है वो गामा टाइप की भी हो सकते हैं, एक्स टाइप की भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, इन्फ्रारेड या रेडियो या माइक्रोवेव, ये सारे टाइप की हो सकती है, समझते हो ना, ये सारे टाइप की वेव्स हो सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब स्पेक्ट्रम क्या है, मैंने तब बोला था कि ये जो चीज होती है ये स्पेक्ट्रम ही होता है। ये जो कलर्स का जो आप एक अरेंजमेंट देख रहे हो ना कि अलग अलग टाइप के जो कलर्स है, ये जो शो हो रहा है ये क्या है, ये एक स्पेक्ट्रम है। एक्चुअल में इसका डेफिनेशन या सही वे में जो है इसके बारे में मैं बताऊंगा इसको सही प्रॉपर वे में, बट एक बार पहले आप देखो कि आपने स्पेक्ट्रम के बारे में अभी तक क्या क्या देखा है। ये इस तरीके से बनता है, या कई जगह पे देखा होगा ये इस टाइप से लाइंस वगैरह बनती है। इसमें लाइंस नहीं है, इसमें कॉन्टिन्यूस बन रहा है पूरा एक साथ, है ना, इसमें लाइंस बन रही है कि यहाँ यहाँ पे मेरे को कुछ मिल रहा है, ये लाइंस है। या आप जो भी जैसे आजकल मॉल से या कहीं से भी कुछ भी सामान लेके आते हो उसके ऊपर इस टाइप की लाइंस बनी हुई आती है। ये कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हो उस प्रोडक्ट के ऊपर एक एक चिट एक 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 पर्ची चिपका हुआ रहता है, उसके ऊपर इस टाइप की लाइंस बनी हुई होती है। ये लाइंस ये क्या है, शो करता है स्पेक्ट्रम को शो करता है। तो हर चीज़ का हम लोग आजकल स्पेक्ट्रम लेने लग गए, और स्पेक्ट्रम की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने ये नहीं बताया स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये जो चीज़ें देखते हो ये स्पेक्ट्रम है, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है अभी बताऊंगा। बट स्पेक्ट्रम का यूज कहाँ पे कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनानी हो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ की, तो उसका हम लोग स्पेक्ट्रम को स्कैन करके उस चीज़ से हम लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, कि स्पेक्ट्रम किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है, जो भी है। देखो क्या है, पहली चीज़ तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा फोटोन के बारे में बात की थी, है ना,
किसके बारे में बात की थी, फोटोन के बारे में। और फोटोन के बारे में इस तरीके से बात की थी कि जो लाइट होती है, प्रकाश, वो दो तरीके से गति करता है, एक तो तरंग वेव की फॉर्म में, एक होता है पार्टिकल। और वो पार्टिकल जो नेचर है, पार्टिकल जो प्रकृति, कण प्रकृति, उसको हम लोगों ने फोटोन बोला था, है ना। अब सुनना मेरी बात, ऐसा है कि फोटोन जो होता है वो अलग अलग टाइप का फोटोन हो सकता है। फोटोन हो सकता है गामा टाइप का भी हो सकता है, एक्स टाइप का भी हो सकता है, या अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी, या अलग अलग रंग, विजिबल दृश्य प्रकाश क्षेत्र का भी हो सकता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है फोटोन। फोटोन किसके आधार पर होता है, एनर्जी के आधार पर होता है, या आवृत्ति के आधार पर, अगर हम बोले इसको फ्रीक्वेंसी के बेस पे। तो जैसे जो फोटोन होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है E=hν। ये कोई भी फोटोन की एनर्जी होती है, कोई भी फोटोन या जो कण होता है प्रकाश का, लाइट का जो पार्टिकल होता है, उसका ये एनर्जी होता है। उसमें एक पर्टिकुलर चीज होती है न्यू, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बोलते हैं। अगर आवृत्ति अलग है तो उसकी, उस फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, अलग होगी। या रंगों में बात करूं तो रंग भी अलग होगा। लाल रंग का जो प्रकाश है, लाल रंग का जो लाइट है, उसकी आवृत्ति और एनर्जी जो होगी वो अलग होगी ब्लू कलर से, या दूसरे ऑरेंज कलर से, या डिफरेंट कलर से। तो सब रंगों या सब अलग अलग जो प्रकार का फोटोन है उनके लिए आवृत्ति और एनर्जी फोटोन की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, ठीक है। तो जैसे ऐसा है, हम लोग बोलते हैं क्या कि हमारे पास में अलग अलग कलर्स होते हैं, या अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, अलग अलग प्रकार का क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। जैसे जिनकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उनको हम लोग गामा कैटेगरी में डाल देते हैं। उससे कम होते हैं उसको एक्स कैटेगरी में डाल देते हैं, जिसको गामा रेज भी बोलते हैं हम लोग, इसको एक्स रेज बोलते हैं। उससे कम जिसकी आवृत्ति होती है, जिसके फोटॉन्स की, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी। ये मैं काफी पहले बता चुका हूं, अभी मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको वो चीजें रिलेट कर पाए आप। पराबैंगनी टाइप का इससे कम आता है, इससे कम होता है विजिबल लाइट में, दृश्य प्रकाश का, मतलब दृश्य प्रकाश वो होता है जो हमारे को दिखता है, कलर्स वाला, ठीक है, जो पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें क्लियर है पहले से। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसका, फिर उससे कम इसका, फिर उससे कम इसका, फिर उससे कम इसका। इसके नीचे ये जो आते हैं इंफ्रारेड अवरक्त प्रकाश आता है, इंफ्रारेड अवरक्त। इसके नीचे जो आता है रेडियो और माइक्रोवेव वाला आ जाता है इधर, ठीक है ना। तो रेडियो और माइक्रोवेव वाला, जो रेडियो और प्लस माइक्रोवेव वाला मैं इधर बात कर लेता हूँ, जो भी है। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, मतलब आवृत्ति कम होती जाती है। अब क्या ट्रिक होता है, जो स्पेक्ट्रम का क्या सीन है, स्पेक्ट्रम का सीन ऐसा है कि जैसे मान लो कि कोई एक पदार्थ है, कोई भी एक मटेरियल है, जैसे कोई भी एक मटेरियल है, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है ना, ये मार्कर ले लिया मैंने, इसके ऊपर किसी सोर्स से मैं यहां पर एनर्जी डाल रहा हूं। एनर्जी का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये पहला जो लेक्चर है इसको थोड़ा सिद्धत से समझ लेना, एक ओवरव्यू जनरेट हो जाएगा आपके दिमाग में कि एक्चुअल में स्पेक्ट्रम क्या है, है ना। तो यहां से एक मान लो कोई सोर्स है लाइट का, इधर से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लाइट है वो इसके ऊपर आ रही है। अब ये कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी मटेरियल होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी अवशोषित कर सकता है या उत्सर्जित कर सकता है। ये अवशोषित या उत्सर्जित कैसे करता है इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर ये कोई भी चीज अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है, तो कौन कौन सी लाइट की तरंगों को या कौन कौन से लाइट फोटोन को ये अवशोषित कर रहा है या उत्सर्जित कर रहा है, अगर मैं उनकी लाइनें बनाऊं। लाइनें बनाने का मतलब ऐसा है कि जैसे ये अपना पहले जो ये था, ये इसके बाद गामा, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट, इनमें सब टाइप के फोटोन है, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी गामा है वो भी है इसके अंदर, इसके पास वाले सब है, मतलब सारे हैं इसके अंदर, ये सब आएंगे, ये कंटिन्यू है, मतलब ये लाइनें इस तरीके से नहीं, इनके बीच में भी, मतलब हर कलर, हर टाइप की एनर्जी इस बैंड के अंदर आ गई। इस बैंड के अंदर क्या है, हर टाइप की एनर्जी है। एक सेकेंड में इसको ऐसे करता हूं, इस बैंड के अंदर हर टाइप की एनर्जी है, हर टाइप की एनर्जी इसके अंदर आ गई भैया, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। इसमें सारी, मेरे को लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, सारे कलर आ गए, सारे दिखने वाले विजिबल अल्ट्रावायलेट, सारी लाइट आ गई, मतलब हर प्रकार का इसके अंदर क्या हो गया,
फोटोन की एनर्जी वाला फोटोन है। अब मान लो मैंने ये मार्कर है, इसके ऊपर यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाले, विद्युत चुंबकीय तरंगें इसके ऊपर भेजे, तो ये मार्कर मान लो एक तो कोई गामा प्रकार की जो लाइट है ना उसकी कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मान लो इस फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है उसको अवशोषित कर लिया, तो मान लो कि एक तो इस रेंज की लाइट को अवशोषित किया, एक मान लो पर अब एक दृश्य में भी रेड कलर वाली लाइट को अवशोषित किया है, तो मान लो रेड कलर मान लो यहां पर है, रेड कलर वाली को अवशोषित कर लिया ये, तो एक रेड कलर वाली लाइन आ जाएगी। जिन जिन लाइट को अवशोषित कर रहा है ना उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो एक गामा वाली कर लिया, एक रेड कलर वाली कर लिया, और मान लो कि एक इंफ्रा रेड वाली कर लिया ये, तो अगर ये तीन टाइप की लाइट को अवशोषित कर रहा है तो इन तीनों टाइप की लाइट को मैं देखो इधर बना दिया, इसको बना दिया, इसको बना दिया, इससे ये पता चल रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी को, इस वाली फ्रीक्वेंसी को, इस वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट को ये अवशोषित कर रहा है, या मैं ऐसे बोल लूं कि कहीं पर अगर उत्सर्जित कर रहा है, अवशोषित का मतलब एब्जॉर्प्शन, अवशोषण का और उत्सर्जन का मतलब होता है एमिशन, तो इस लाइट को एब्जॉर्ब किया है, ये एब्जॉर्प्शन हुआ है, अवशोषण हुआ है, तो इसका मैंने ये तीन लाइट बना दी, और येलो ये मैंने एक चीज बता दी, ये जो है ये तीन लाइन ये क्या बता रही है, तीन लाइन ये बता रही है कि इन तीनों लाइन वाली जो आवृत्तियां हैं, ये दो फ्रीक्वेंसी है, उसके लाइट को ये पदार्थ जो है ये मटेरियल क्या कर रहा, अवशोषित कर रहा, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसके लिए ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे इस मटेरियल का, और ये अवशोषण की वजह से आया तो इसको बोलेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम, मतलब ये एब्जॉर्प्शन की वजह से आया ना, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अगर मान लो कहीं पर कोई मटेरियल है और वो अलग अलग टाइप की लाइट को उत्सर्जित कर रहा है, वो मान लो इस लाइट को भी कर रहा है, इस लाइट को भी कर रहा है, ये मैं जो जो यहां पर लाइनें बना रहा हूं इन इन सारी लाइटों को वो क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, और इन सारी लाइटों को अवशोषित कर रहा है, तो इसकी एक मैंने व्यवस्था बना ली है, अरेंजमेंट बना लिया, ये बता दें कि इस फ्रीक्वेंसी को अवशोषित कर रहा है, चलो एक लाइन यहाँ बना दी, एक लाइन यहाँ बना दी, तो ये सारी इनको क्या कर रहा, अवशोषित कर रहा है, इनके बीच वालों को नहीं कर रहा, तो जिन जिन को अवशोषित कर रहा है उनका सबका बना दिया मैंने, तो ये क्या है, ये उत्सर्जन कर रहा, सॉरी, तो ये उत्सर्जन कर रहा, तो मतलब एमिशन हो रहा है, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, क्या है ये, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, कुछ चमक रहा है, मैं फिर से दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं, क्या है स्पेक्ट्रम का मीनिंग, क्या हुआ स्पेक्ट्रम का मीनिंग, ये हुआ कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, वो जिस भी टाइप की लाइट अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है, या तो एमिशन करेगा या एब्जॉर्प्शन करेगा, उस लाइट की जो आवृत्तियां हैं उनको एक पर्टिकुलर एक क्या किया, अरेंजमेंट में शो किया, एक व्यवस्था बनाई, इस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। चमक गया, तो अलग अलग जिन जिन फ्रीक्वेंसी को बना रहा, तो किसी चीज का स्पेक्ट्रम बनाने का मतलब ये हो जाता है कि वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट को, कौन कौन से टाइप की लाइट को अवशोषित या उत्सर्जित कर रहा है, एमिशन या एब्जॉर्प्शन कर रहा है, वो दिखाना है स्पेक्ट्रम का मतलब, स्पेक्ट्रम दिखा रहे हो मतलब कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब या एमिट कर रहा है उसको दिखा रहे हैं हम लोग, ये हो गया स्पेक्ट्रम। ठीक है, जैसे हम लोग यहां पर ये तो मैंने सबसे पहले जो ये बताया है, ये बताया कि ये हर टाइप की लाइट कौन कौन सी, कितनी टाइप की लाइट हो सकती है, प्रकाश किस तरीके का हो सकता है, मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में भी बताया था, ये यहां पर तो ये चीज बता रही कि गामा होगी, फिर एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, फिर ये जो कलर वाला है ये दृश्य प्रकाश होता है, विजिबल लाइट होती है, इसमें सारे कलर होते हैं, अगर इस टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है तो वो रंगीन दिखाई देता, बाकी दिखाई नहीं देते आंखों से, आंखें इन कलर्स को देख पाती है। ठीक है, ये इसको देखो, इसको अलग से दिखाया गया कि ये विजिबल लाइट ऐसा होता है, दृश्य प्रकाश, मैंने पहले सेकंड लेक्चर में बताया था आपको, उसके बाद में ये, फिर ये ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, आप जो प्रोडक्ट लेने जाते हो उनमें इस टाइप की लाइंस दिखती है, मॉल्स में वगैरह, आजकल जब मॉल में आप कुछ भी सामान लेने जाते हो तो उसमें वो स्कैन करता है, उससे उसका प्राइस वगैरह सब कुछ उसमें डिटेल होता है, तो ये क्या है, ये एक स्पेक्ट्रम ही है किसी पर्टिकुलर ब्रांड का या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ये क्या है, स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें शो कर रही है, ये स्पेक्ट्रम शो कर रही है।
अब मैंने जो बताया अभी आपको कि वो किस तरीके से उसको लेते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ मैं कि जैसे इसमें क्या कर रहा है, यहाँ से कोई एक सोर्स है, कोई स्रोत है, ये कोई स्रोत है और यहाँ से लाइट निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से निकल रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे निकल रहे हैं, और यहाँ पर मैंने कोई पदार्थ ले लिया, जैसे ये कोई पदार्थ है, इसके ऊपर इसको गिरा रहे हैं ना, इसको इंसिडेंट करा रहे हैं, तो यहाँ से इंसिडेंट करने पर ये कौन सी लाइट को एमिट करता है, ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कौन सी लाइट को ये अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है, उसका एक मशीन आती है जिसको स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। उस स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो इस ग्राफ से ये पता चलता है कि अच्छा ये जो पीक दिख रहा है ना, ये देखो एक पीक ये दिख रहा है, एक पीक ये दिख रहा है, एक पीक ये दिख रहा है, एक पीक यहाँ मिला, एक पीक ये मिला, एक पीक ये मिला, ये पीक ये बता रहा है कि अच्छा ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसका कुछ सिग्नल आ रहा है, मतलब उस लाइट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक ये जो फ्रीक्वेंसी जहां पर ये सिग्नल मिला उस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, एक इस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो भी यहाँ पर वो, अगर मान लो आप अवशोषण स्पेक्ट्रम चाहते हो, मतलब क्या क्या वो अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब क्या क्या कर लेता है, तो इस स्पेक्ट्रोमीटर लगाकर उसकी हेल्प से हम लोग ये अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मेजर कर लेते हैं, ये दिख जाता है। जैसे हॉस्पिटल के अंदर भी आपको जो दिखता है ना, आप हार्ट बीट के लिए लगाया हुआ रहता है, तो वो उसमें अलग अलग वो चलता रहता है, ये है ना, ऐसा होता है, तो वो क्या अलग अलग फ्रीक्वेंसी को शो करता है, तो ये भी क्या एक स्पेक्ट्रम ही है, किसका है, हार्ट बीट का स्पेक्ट्रम है एक तरीके से, मतलब आपके दिल की धड़कन का अगर स्पेक्ट्रम बनाना है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी चल रही है उसके अंदर, या किस फ्रीक्वेंसी से वो बीटिंग हो रही है, हार्ट बीट किस तरीके से है, तो वो भी क्या है, स्पेक्ट्रम ही है। तो स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या हुआ, स्पेक्ट्रम का मीनिंग ये तो जिस मशीन से मेजर करते हैं तो उसको तो स्पेक्ट्रोमीटर बोल दिया, ये टेक्नोलॉजी आप एमएससी के अंदर ये मतलब प्रैक्टिकल होते हैं उनमें आप करोगे अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो। बाकी मेन चीज़ ये है कि स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या हुआ, स्पेक्ट्रम का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी पदार्थ है जब ऊर्जा उत्सर्जित करता है या अवशोषित करता है, या तो एब्जॉर्ब करेगा या एमिशन करेगा, तो वो कौन सी लाइट को एमिट या अब्जॉर्ब करेगा उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न बना ले हम लोग, एक व्यवस्था बना ले, एक अरेंजमेंट शो करें, तो उस अरेंजमेंट को ही क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। आगे चीज समझ क्लियर है ना, चलो ये बात तो समझ में आई कि हाँ कोई भी मटेरियल है या कोई भी पार्टिकल कुछ भी है व्हाटएवर, वो अगर ऊर्जा उत्सर्जित करता है या अवशोषित करता है, एमिशन करता है या एब्जॉर्ब करता है, तो एनर्जी या तो वो लेगा या एनर्जी देगा, तो जो एनर्जी दे रहा है या जो एनर्जी ले रहा है उसकी लाइन बना लो, आप लाइनें बना लो या उसका बता दो एक इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, उस वो जो अरेंजमेंट है वो व्यवस्था है, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलेंगे। बात क्लियर, ये जो मैंने इतने सारे एग्जांपल्स बताए कि जैसे ये लो, ये हॉस्पिटल वाला ले लो, या जो प्रोडक्ट आते हैं उन पे देख लो, या कहीं पर भी, ये सारे क्या है, स्पेक्ट्रम है। अब स्पेक्ट्रम की बारे में बात हुई, लेकिन ये स्पेक्ट्रम ये एनर्जी अवशोषित क्यों करता है, ये कैसे करता है या उत्सर्जित कैसे करता है, इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे थोड़ी बहुत, ताकि एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। मैं अभी इसकी डेफिनेशन लिखवाया नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखवाया, अभी मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, अभी 10 मिनट है अपने पास में, प्रॉपर टाइम है कि है। तो आप तो सबसे पहले तो आप स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में आपको क्या लिखना है, स्पेक्ट्रम लिख लो आप, स्पेक्ट्रम। तो लिखो, मैं इसका डेफिनेशन लिखवाता हूँ आपको। ठीक है, तो लिखो भैया, स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा, लिखो पहले हिंदी में लिख लो। जब एक परमाणु या अणु, जब एक परमाणु या अणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, जब एक परमाणु या एक अणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, तो जब कोई एक परमाणु या अणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, तो
ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। उत्सर्जित या अवशोषित प्रकाश, उत्सर्जित या अवशोषित प्रकाश के तरंग दैर्ध्यों को, के तरंग दैर्ध्यों को एक निश्चित व्यवस्था में, एक निश्चित व्यवस्था में प्रदर्शित किया जाता है, एक निश्चित व्यवस्था में प्रदर्शित किया जाता है। इस व्यवस्था को, निश्चित व्यवस्था में प्रदर्शित किया जाता है, इस व्यवस्था को, इस व्यवस्था को स्पेक्ट्रम कहते हैं, इस व्यवस्था को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। इंग्लिश में लिखो, व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल, व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल ट्रांजिट, व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल ट्रांजिट्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, देन इट ईदर एब्जॉर्ब, इट ईदर एब्जॉर्ब्स और एमिट्स एनर्जी, इट ईदर एब्जॉर्ब्स और एमिट एनर्जी। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, आगे लिखो, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द अरेंजमेंट ऑफ, the arrangement of this energy, the arrangement of this energy according to wavelength, the arrangement, this arrangement of energy in the form of, sorry, according to wavelength is called स्पेक्ट्रा, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रा इसका प्लूरल है, स्पेक्ट्रम सिंगुलर है। ठीक है, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो हमारे पास में क्या है, कोई भी एटम होता है, कोई भी परमाणु होता है या कोई भी अणु होता है, तो वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तो क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। तो जो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है, उसका जब हम लोग कौन कौन सी आवृत्ति हुई है, कौन कौन सा तरंग दैर्ध्य, कौन कौन सा लेमडा का एनर्जी उत्सर्जित या अवशोषित हुआ, उसको जब हम लोग एक बनाते हैं पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, वो जो होगा हमारा स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी उत्सर्जित या अवशोषित क्यों होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, फिर हम लोग इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले यह बता दूं कि ये एनर्जी उत्सर्जित या अवशोषित कैसे होती है। देखो, ये आपने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ऐसा, क्या कि जैसे है कि मान लो कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ये एक दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरी कक्षा है, इस तरीके से कक्षाएं होती है ना। जैसे मान लो ये ऑर्बिट्स है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या मान लो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसमें। अब जब इलेक्ट्रॉन इसमें से
या मान लो इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में आता है, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आता है, तो इनके बीच में जितना गैप है, जैसे मान लो पहले 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, अब वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ गया, तो जब 10 से 5 नीचे वाले पे आ गया, तो उनके बीच का जो अंतर है उतनी एनर्जी तो वो क्या कर देगा, निकाल देगा, एमिट कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। तो ये जितनी एनर्जी उत्सर्जित होकर जाएगी, ये क्या है, फोटोन की फॉर्म में चलेगी ना। तो मान लो कि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर लैम्डा है, तो इसकी एक मैंने लाइन बना दी जो भी निकली है। इसके अलावा मान लो अगर ये यहां से डायरेक्ट यहां पर आता सेकंड में, तो यहां से भी दूसरी क्या निकल सकती है, एक दूसरी लाइट निकल सकती है, कि इन दोनों के बीच में जितना गैप है उतनी एनर्जी निकलेगी, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटोन की फॉर्म में, किसी की फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में निकला, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी मान लो कि वो इस रेंज का, तो यहां पर बना दी मैंने लाइट एक लाइन। मान लो ये यहां से डायरेक्ट यहां आए, तो यहां से यहां आ रहा, मतलब अलग अलग ऊर्जा स्तर में जा रहा परमाणु जो है, या इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऊर्जा स्तर में जा रहा, तो एटम का भी अलग अलग एनर्जी लेवल हो गया। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल में अगर कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जाता है, तो वो अलग अलग क्या होता है, या तो उत्सर्जन करता है या अवशोषण करता है, यही होता है। तो ये उत्सर्जन या अवशोषण जो भी होता है, इसकी वजह से जो भी फ्रिक्वेंसी का बनता है, उसके हिसाब से हम लोग इसका स्पेक्ट्रम जनरेट करते हैं। तो ये इसकी एक वजह होती है कि ये क्यों होता है, एनर्जी एमिट कैसे होती है, या उत्सर्जित या अवशोषण कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन एमिशन कैसे होता है एनर्जी का। ये तो एटम में बात हो गई, मॉलिक्यूल में भी होता है, अणु में भी होता है। अणु में कैसे होता है, जैसे मैं बात करता हूं, जैसे कोई मॉलिक्यूल है मान लो, और मॉलिक्यूल का मतलब है कि मोर देन वन एटम, एक से ज्यादा अणु हो, एक से ज्यादा परमाणु हो, वो अणु हो जाता है। तो मान लो कि एक अणु है, तो वो ऐसा है, एक यहां पर उसमें परमाणु, एक परमाणु यहां पर, ऐसा मान लो। अगर ये एक ऐसा एटम है, तो मान लो कोई ये लिक्विड का है, कोई भी द्रव पदार्थ है, और उसका जो अणु है वो ऐसा है। तो अगर इसके पास में, अगर मान लो इसको मैं गर्म करूँ, अगर हीटिंग हो इसका, तो क्या होगा, गर्म करने से क्या होगा, इनके पास में एनर्जी आएगी, इनके पास में एनर्जी होगी, तो ये दो तरीके से गति कर सकता है एक अणु, या तो रोटेशनल या वाइब्रेशनल, या तो वो कंपन कर सकता है, अणु ऐसे हो सकते हैं, या फिर रोटेशन कर सकता, घूम सकता है। तो मान लो पहले बहुत तेज घूम रहा था, ये पहले धीरे घूम रहा था, अब और तेज घूमने लग गया, मतलब पहले धीरे घूम रहा था, मान लो पहले एनर्जी इतनी थी, ठीक है, अब और तेज घूमने लग गया, अब एनर्जी इतनी हो गई, मतलब पहले ये एनर्जी लेवल पे था मॉलिक्यूल, अब इस एनर्जी लेवल पे आ गया, या पहले मान लो बहुत तेज घूम रहा था, अब धीरे घूमने लग गया, पहले यहां पे था, फिर थोड़े नीचे वाले एनर्जी लेवल पे आ गया, मतलब धीरे घूमने लग गया। तो पहले इतनी एनर्जी थी, मान लो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी के साथ घूम रहा था, अब वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ में घूम रहा है, मतलब इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पे पहुंच गया बेचारा। तो इतना जो बीच का इनका गैप हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इतनी एनर्जी तो निकाल ही दिया ना, जैसे मैं पहले बहुत तेज शक्तिमान की तरह घूम रहा था, तो मेरी एनर्जी थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब मैं थोड़ा धीरे घूमने लग गया, तो मेरी एनर्जी कम हो गई। तो पहले जितनी एनर्जी थी, मैं इस लेवल पे था एनर्जी के, अब इस लेवल पे आ गया एनर्जी, तो इन दोनों का जो गैप है, उतनी एनर्जी तो क्या करूंगा मैं, उत्सर्जित करूंगा ना, एमिट करूंगा, तो मैंने जो एमिट की एनर्जी, उसका फ्रीक्वेंसी जो भी होगा, उसकी एक लाइन बना दूंगा। अब मान लो मैंने जो अभी घूम रहा था, उससे भी और धीरे हो गया, और नीचे वाले एनर्जी लेवल पे चला गया, तो मान लो अब एनर्जी दूसरे लेवल पे गया, तो फिर एनर्जी एमिट करूंगा, उसकी एक लाइन बना ली। इसी तरीके से और भी लाइंस बन सकती है जो जो भी होगी। तो जितने एनर्जी लेवल होंगे, उसके हिसाब से अलग अलग अपने पास में क्या होंगी, लाइंस बनती जाएंगी। इसके हिसाब से हम लोग क्या एक ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट बनाएंगे, और इसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। ये अणु के लिए आ गया। तो अणु में भी एनर्जी कम ज्यादा कैसे होती है, परमाणु में कैसे होती है, ये सब मैंने बता दिया कि एटम और मॉलिक्यूल दोनों से ये चीजें स्पेक्ट्रम मिल सकता है अपने को। तो आप जैसे आपके पास में कुछ भी है मटेरियल, उसका प्रॉपर्टी बताना कि ये क्या चीज है, तो उसका एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम हो सकता है। तो कोई भी मटेरियल की अंदर की इंटरनल इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम की हेल्प लेते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम से ये पता चल जाता है कि वो कौन कौन सी एनर्जी अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है। तो वो उत्सर्जित या अवशोषित कौन सी करता है, उसके बेस पे हम लोग ये पता कर लेते हैं कि ये मटेरियल जो है वो किस टाइप का है, क्या क्या इसमें मॉलिक्यूल्स, क्या क्या एटम्स हो सकते हैं इसके अंदर, इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पता कर सकते हैं। वैसे ये केमिस्ट्री में काफ़ी यूजफुल होता है, एक चैप्टर अपने यहाँ पे गिवन, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का कमाल का सब्जेक्ट है, इस तरीके से पता चलता है, डेफिनेशन हो गया। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के, स्पेक्ट्रम के हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट के अंदर।
क्लियर? ओके।